नमस्कार दोस्तों, बुक्स एंड थ्योरीज के चैनल पर हम सुन रहे हैं कहानियाँ, और हम कहानी सुन रहे हैं डब्बा एक प्यार का। अगर आपने पहला एपिसोड नहीं सुना है इस कहानी का तो ऊपर आई आइकन पर क्लिक कर लीजिए, आपको फर्स्ट एपिसोड सुन लीजिए, फिर हम आगे सेकंड एपिसोड सुनते हैं। तो पिछले एपिसोड में आपने सुना कि कैसे अजय एक डब्बे को लेने के लिए बनारस आया था, और वो बनारस में उस डब्बे को लेकर आगे बढ़ता है। अब आगे सुनाता हूँ। जैसे जैसे वो गाड़ी आगे बढ़ी, शाम अपने फ्लो में बग 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 करे जा रहा था कि अजय भाई कितनी सर्दी हो रही है, इतनी सर्दी में देखो कितना कोहरा है, कोहरे में गाड़ी चलाना कितना दिक्कत का काम है, ये बार बार डिपर भी मारना पड़ता है, और जीप में देखिए खुली जीप है, हर तरफ से हवा आ रही है, डब्बा ठीक से रखा है कि नहीं रखा, हिल तो नहीं रहा। वो लगातार बोले जा रहा था और शाम की आवाज़ सुन सुनकर अजय पक चुका था। फिर भी अजय चुपचाप एक लय में एक टक आगे देखा जा रहा था। थोड़ी दूर जाने के बाद अजय ने देखा कि एक छोटा सा चाय का ठेला पान टपरी वाला कोने में है। अजय ने शाम से कहा जरा गाड़ी साइड में लगाओ। शाम ने तुरंत गाड़ी को घुमाया और साइड में लगा दिया। अजय जीप से नीचे उतरा और जाकर उसने अपना फिर एक चार मीनार की डिब्बी खरीद ली। बाबूजी आप सिगरेट बहुत पीते हैं, मैं कल से देख रहा हूं आप कम से कम 10 डिब्बी सिगरेट तो पी गए होंगे। अजय हल्का सा मुस्कुराया और बोला कि दर्द को जलाने के लिए एक सिगरेट ही काफी नहीं है। शाम चुप हो गया, क्योंकि बात छोटी थी पर बहुत गहरी थी, और वो समझ गया था कि अजय से इससे ज्यादा एक्सपेक्ट करना जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे ज्यादा बोलेगा नहीं। खैर, अजय आकर गाड़ी में वापस बैठा और शाम भी गाड़ी में बैठा और गाड़ी फिर चलती। जैसे जैसे गाड़ी उस कोहरे में होती हुई आगे बढ़ी, अजय मानो 5 साल पहले की कुछ मेमोरीज में खो गया। एक तरफ वो उस डब्बे पे हाथ रखता और फिर उसकी दिमाग की मेमोरीज उसको 5 साल पीछे ले जाती। जून का महीना सन 1980, सागर के गोपालगंज के मोहल्ले में पीपल के पेड़ के पास एक छोटा सा खपरेल वाला मकान। खपरेल जिसको नहीं पता है आज के ज़माने में, तो पहले ज़मानों में और आज भी गांवों में अगर आप जाओगे तो छतों के ऊपर मिट्टी के छत होती है, इसको खप्पर बोलते हैं। एक बड़ा सा जाली का दरवाज़ा था उस घर में। उस दरवाजे को खोलते ही एक लंबा सा वरांडा, उस वरांडे के उल्टे हाथ पे एक छोटा सा कमरा, और जहाँ वरांडा ख़त्म होता है वहाँ एक बहुत बड़ा सा आंगन। आंगन के कोने में एक कुआं, आंगन के सामने एक छोटा सा कमरा जिसको हम आज ड्राइंग रूम कहते हैं या लिविंग रूम कहते हैं, उस ज़माने में उनको मेहमानों का कमरा कहा करते थे। उसी कमरे के बगल में अजय की माँ की रसोई, और कुएं के बगल में दो कमरे और, एक कमरा जिसमें अजय के बाबूजी और माताजी रहते थे, और एक कमरा जिसमें कुछ सामान वगैरह पड़ा हुआ था। घुसते साथ मैंने आपसे कहा कि उल्टे हाथ पे अजय का कमरा था। गर्मी का महीना, जून का महीना, तपतपाती गर्मी, अजय अपने कमरे में पजामा और अपनी बनियान पहने हुए पलंग पे मस्त लेटा हुआ था। एक छोटा सा पंखा जो कि आवाज़ ज़्यादा कर रहा था, हवा कम दे रहा था, उसके बिल्कुल चेहरे के पास रखा हुआ घूम रहा था, और अजय अपने हाथ में मस्त राम की किताब लिए हुए फटाफट पढ़े जा रहा था। थोड़ा मुस्कुराता, थोड़ा एंजॉय करता, थोड़ा किताब के फ्लो में था। अजय के कमरे के बाहर दूसरी तरफ एक गली थी। उस गली में से कुछ फेरी वाले गुजरते, कभी कोई कुल्फी वाला गुजरता तो घंटियों की आवाज़ आती, कभी किसी के चलने की आवाज़ आती, कभी दो तीन लड़कियां वहां से निकलती तो उनके धीरे धीरे बात करने की आवाज़ें आती। ये सब सुनता हुआ अजय अपनी किताब को पढ़े जा रहा था। तभी उसने महसूस किया कि वरांडे में थप 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 करके ज़ोर से भागकर उसका भाई गया। अजय का भाई गोपाल उससे लगभग 10 साल छोटा था। जैसे ही वह भागकर वहां से गया, अजय समझ गया कि ये दोपहर के समय में बाहर जा रहा है, इसका मतलब मम्मी ने पक्का उससे कुछ ना कुछ सेठ जी की दुकान से लाने कहा है।
अजय के घर से दो घर छोड़ के एक जैन साहब रहते थे, उनकी दुकान थी नीचे किराने की, जहाँ पे वो गोली बिस्कुट आटा चावल दाल वगैरह बेचा करते थे। और जब भी मम्मी को कुछ चाहिए हो, मम्मी गोपाल से कहती थी भाग के जाओ और लेके आ। अजय फट से अपनी पलंग पर से उठा, उसने अपनी मस्तराम की किताब को लिया और कमरे के ऊपर वाले आले में डब्बों के पीछे झट से छुपा दिया। डब्बों के वहाँ पे इतने मकड़ी के जाले थे और धूल इतनी थी कि कभी कोई सोच भी नहीं सकता था कि अजय वहाँ पे मस्तराम की किताबें छुपाता हो। खैर, वो फटाफट बेड से नीचे उतरा और जो पंखा लगा था, पंखे की एक डोरी थी जो करंट के लिए, उस डोरी को नाक कर उसने फटाफट दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोल के झट से उसने देखा तो गोपाल भाग के जाली का दरवाज़ा खोल रहा था जो मेन एंट्री का था। तो चिल्ला के बोला, क्यों रे गोपाल, कहाँ जा रहा है? तो गोपाल ने बिना पलटी जवाब दिया, मेहमान आए हैं, मम्मी ने कहा है पार्ले जी लेके आओ। बस फिर क्या था, अजय समझ गया कि भाई कोई ना कोई मेहमान तो आए हैं, अब पार्ले जी आएगा। और 80, 85, 90 का दशक ऐसा था ना, पार्ले जी जो होता था वो अपने आप में एक बहुत बड़ी डिश होती थी। जो आज हम पिज़्ज़ा बर्गर को बहुत बड़ा मानते हैं, उस समय पार्ले जी अपने आप में एक पिज़्ज़ा बर्गर था। बच्चे इंतज़ार करते थे कि मेहमान कब जाएंगे और वो पार्ले जी का बिस्कुट छोड़ के जाएंगे। अगर कोई मेहमान ज़्यादा पार्ले जी खा जाए तो बच्चों को पसंद नहीं आता था। बस अजय का मन भी यही हो गया कि यार देखा तो जाए कि कौन मेहमान आए हैं, और वो मेहमान ऐसे हैं कि क्या पार्ले जी छोड़ के जाएंगे। बस अजय फटाफट अपने कमरे से बाहर निकला और बिना चप्पल पहने ही अपने आंगन तक आया और चुपचाप धीरे से उसने मेहमान वाले कमरे की खिड़की में झांकने की कोशिश की। वो झांकता उससे पहले उसके पिताजी ने अंदर से बोला, और ये हैं हमारे बड़े सुपुत्र अजय श्रीवास्तव, आओ बेटा अजय अंदर आ जाओ। अजय कुछ समझ पाता कि कौन है, उसने देखा कि पिताजी के बगल में एक और लगभग 45-50 साल के एक बुजुर्ग बैठे हुए थे। तो अजय अंदर गए, नमस्कार किया तो उनके पिताजी ने कहा अजय कि भाई ये हमारे सुपुत्र हैं अजय, इनने अभी पढ़ाई चल रही है इनकी यूनिवर्सिटी में सागर में, और मैं तो चाहता हूँ कि ये भी मेरे जैसे भाई स्कूल में मास्टर हो जाए, इनका जीवन सफल हो जाएगा, अपने बढ़िया स्कूल में जाएंगे, पढ़ाएंगे बच्चों को सुबह दोपहर 12-12 तक, घर आ जाएंगे, ज़्यादा होगा तो शाम को ट्यूशन व्यूशन ले लेंगे, ज़िंदगी सफल है बस और क्या। पर ये महाराज जी पता नहीं क्या चाहते हैं ज़िंदगी में, बोलते हैं नहीं कुछ। अजय अपना सर झुका के खड़ा ही था कि बगल में जो सज्जन बैठे थे उन्होंने कहा, बेटा वो करो जो आपका मन है, ये देखो पीछे मेरी जो बेटियां बैठी हैं। इतना कहना था कि अजय सब पका गया, क्योंकि अजय फटी बनियान पहना हुआ था। अजय झट से मुड़ा तो देखा उसने दो लड़कियां बैठी हुई थी, और अजय को देख के थोड़ा सा मुस्कुराई। तो सज्जन बोले कि ये मेरी बड़ी बेटी है, इसका नाम है काजल, और ये छोटी बेटी है, इसका नाम है डिम्पी। ये दोनों का मैं क्या बताऊँ आपको, ये बड़ी बेटी ने जिद पकड़ रखी है कि मुझे सागर से ही डिग्री कॉलेज से पढ़ाई करनी है। असल में हम लोग जो है सागर के पास एक गांव है गंज बासुदा, वहाँ से हैं, वहाँ पे तो कोई बड़ा डिग्री कॉलेज है नहीं, और अब ये काजल ने जिद पकड़ रखी है। तो अजय कुछ नहीं बोला, चुपचाप थोड़ा शर्माता हुआ, झिझकता हुआ, अब क्या करता भाई, फटी बनियान पहन के वहाँ पर लड़कियों के सामने बुला लिया था उसके पिताजी, क्या चुपचाप रहा, सर हिलाकर चला गया, बाहर निकलने लगा कमरे से। उनके पिताजी ने अपनी बात कंटिन्यू करी और बताया उनके पिताजी को कि भाई इनको सागर में डिग्री कॉलेज करना है, तो मैंने सोचा चलो भाई ये डिग्री कर लेंगी यहाँ से, और इनकी छोटी बहन को 10वीं में यहीं पास में महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं, तो यहाँ से स्कूलिंग कर लेंगी, दोनों बहनें साथ साथ रह लेंगी, गाँव पास में है, तो मैं आ जाया करूँगा देखने के लिए, या इतवार को ये लोग आ जाया करेंगी कभी बस में बैठ के, तो बस इन्हीं के लिए कमरा ढूंढ रहा हूँ। इतना बोलना ही था कि अजय के पिताजी ने फिर आवाज़ लगाई, अजय एक बात सुनो। अजय ने झट से पलटा, जी पिताजी। कि बेटा वो हमारा कुएं के किनारे वाला कमरा जो है, क्या वो खाली है, क्या खाली हो सकता है, क्या सामान है उसमें? तो अजय ने काजल की ओर देखा और फिर तुरंत बोला, हाँ पिताजी कोई नहीं, लकड़ी वकड़ी का सामान पड़ा है, निकाल देंगे, छत पर रख देंगे, खाली हो जाएगा। पिताजी कहने लगे, ठीक है तुम जाओ। अजय कमरे से बाहर निकला, पर एक बार उसने झलक से देखने की कोशिश करी कि बिस्किट अभी आए हैं कि नहीं आए।
उतने में गोपाल आया और माँ तुरंत बिस्किट को प्लेट में रखकर उनके सामने ला के रख दिया और चाय की प्यालियाँ रख दी। अब अजय और गोपाल दोनों का सारा कंसंट्रेशन, सारा दिमाग जो था उन बिस्किटों पे था कि भाई ये तीन लोग ये 10 बिस्किट खा जाएंगे कि नहीं। खैर, गोपाल दूसरी ओर इंतज़ार कर रहा था, अजय दूसरी ओर। बातचीत हुई, पिताजी ने फिर अजय को दोबारा अंदर बुलाया और कहा कि अजय देखो अब ये दोनों बच्चियाँ हमारे घर में ही रहेंगी, तो उस कमरे में जो भी लकड़ियाँ वकड़ियाँ जो भी फालतू सामान है उसको छत पर रख देना और उस कमरे को जरा कल बढ़िया साफ़ सुथरा करवा देना। अगले 2-4 दिन में बच्चियाँ यहाँ रहने आ जाएंगी किराए से। अजय ने सर हिलाया और अजय वहाँ से चला गया। वो दोनों बच्चियों के पिताजी भी उठे, हाथ जोड़कर अजय के पिताजी को धन्यवाद कहा कि भाई हम तो गांव के लोग हैं, यहाँ शहर में बड़ा घबरा रहे थे कि बच्चियों कैसे छोड़ें, पर अब यहाँ परिवार के बीच में रहेंगी बच्चियाँ तो हमें भी तसल्ली रहेगी। अजय की माताजी जो दरवाजे पर पल्लू से सिर झुकाकर खड़ी थी बोली, अपने बुंदेलखंडी अंदाज में बोली कि आप बिल्कुल फिक्र ना करें भैया जी, दोनों बच्चियाँ हमारी बच्चियों की तरह रहेंगी, हमारे साथ ही खाएंगी, चिंता ना करें आप बिल्कुल। काजल और डिम्पी के पिताजी आश्वस्त हो गए कि चलो एक परिवार में रहेंगी दोनों, और वहाँ से बाहर निकले। अजय के पिताजी भी उनको छोड़ने बाहर गेट तक गए। उनके उस मेहमान घर से बाहर निकलते ही मान लो अजय और गोपाल दोनों टूट पड़े उस कमरे में। जैसे ही वहाँ पहुँचे अंदर, वहाँ देखा भाई 5 बिस्किट बचे हैं, बस फिर क्या था, झट से अजय ने उठा लिए और गोपाल चिल्लाने लगा मेरे बिस्किट मेरे बिस्किट। खैर, अजय ने कहा चलो छोटा है, अजय ने 3 बिस्किट उसको पकड़ा दिए, 2 बिस्किट खुद लिए। गोपाल ने बिस्किट लेते ही बाहर दौड़ लगा दी। अजय ने मानो एक राहत की सांस ली कि 2 बिस्किट मिल गए। अजय ने बिस्किट को मुंह में दबाया और जैसे ही पलट कर सोफे पे वापस बैठा, उसने देखा सामने काजल वापस अंदर आ गई थी और काजल ज़ोर से हंसी उसको देखकर और अजीब सा एक चेहरा बनाकर कि हाँ भाई ये बिस्किट चोरी वाली आदत उस दौर के सब बच्चों में। काजल ने अपनी हंसी से बता दिया कि बिस्किट वो ही नहीं चुराता, बिस्किट वो भी चुराती है। पर अजय उसके हंसने के अंदाज से काफ़ी शर्मा गया और चुपचाप एक बिस्किट को वापस प्लेट में भी रख दिया। और बस काजल ने इतना ही कहा कि पिताजी का छाता छूट गया था, और ये कहकर काजल वहाँ से चली गई। दोस्तों, हमारी कहानी आगे बढ़ रही है एक डब्बा प्यार का, पर प्रश्न अभी भी यही है कि अजय उस डब्बे में लेके क्या आ रहा है, ऐसा क्या है उस डब्बे में जो काजल को चाहिए या काजल के लिए है, या काजल के लिए है भी या नहीं या कोई और है। सन 1980 से 1985 तक ऐसा क्या हुआ जो अजय को इतना भारी भरकम डब्बा लेने के लिए बनारस तक आना पड़ा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, लाइक कर दो, कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कहानी कैसी लग रही है। आप कहानी गैस कर सकते हो तो आप भी गैस करिए, हो सकता है कि आपका गैस हमारी कहानी का हिस्सा हो। अगर आपके पास भी कहानियाँ हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप उस नंबर पर मुझे भेज सकते हैं। अगर मुझे लगा कि आपकी कहानी में इतना दम है और इतना प्यार है तो मैं ज़रूर उस कहानी को सुनाऊँगा। तो बने रहिए बुक्स एंड थ्योरीज की स्टोरियाँ में।